गुड मॉर्निंग एंड सहरम टू ऑल। बच्चों, अभी पिछले अध्याय में आपने किसके बारे में पढ़ा था? चतुर काक। तो अब हम अध्याय 16 में पढ़ेंगे मूर्ख मूर्ख सेवक। एक जो मूर्ख सेवक है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके पास था मूर्ख सेवक? किसका था? राजा का। तो एक राजा था, तो उसके पास क्या था? एक मूर्ख सेवक था। तो उसके इस अध्याय के अनुसार हम इसका हिंदी में अर्थ आपको बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके पास उसके अभ्यास का कार्य आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अब ये स्टोरी है जिसकी है मूर्ख सेवक की। तो यहाँ पे है एक निरप आसित। क्या? एक राजा था, स प्रासादे अवसत। वह कहाँ रहता था? एक महल में रहता था। स एकस्य वानरस्य पालनम अकरोत। उसने क्या करा था? एक वानर को पाल के रखा हुआ था, ठीक है। स वानराय फलानी दुग्धम अयच्छत। वह अपने उस बंदर को क्या देता था? फल देता था, दूध देता था, सभी कुछ उसको अपने पास ऐसा रखता था कि उसे हर एक चीज़ वो देता था। और बानर अपि निरपस्य आज्ञापालक सेवक आसीत। तो बानर क्या था? वो बंदर क्या था? राजा का एक आज्ञाकारी सेवक था। वो जो मर्जी करे, जैसा करे, कहीं भी जाए, उसे राजा कुछ नहीं बोलता था। एक दा निरप सहन गृह सहनम अक्रोत। एक बार राजा अपने सोने के कमरे में सो रहा था, तो वह बंदर राजा को हमेशा, अगर राजा सो जाता था तो वह क्या करता था? उन्हें पंखे से हवा करता था, ठीक है। अपने सेवक अपने मालिक की क्या करता था? अच्छे तरीके से सेवा करता था। तो शीतलस्य स्पर्शेन निरप सुखम अनुभवत, ठीक है। तो था वह उस बंदर को ऐसा करने से क्या लगता था? अच्छा अनुभव होता था, अच्छा मन, उसे मन सुखी होता था उसका कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो खुश होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये स्टोरी अभी आगे आगे देखते कि क्या उसमें लिखा है, ठीक है। तो अब है तदा एक मधुकर निपस्य ग्रहणी उपसत, ठीक है। तो तभी क्या हुआ कि राजा के नाक पर एक क्या बना? मधुकर, मतलब एक मक्खी आकर बैठी, ठीक है। तो सेवक वानरा व्यजनेना मधुकरम अताड़यत। तो सेवक क्या करता था? उस मक्खी को बार बार उसे भगाया उसने, लेकिन पुनः अपि मधुकर तत्र एव उपविशत। तब भी वह मक्खी फिर से आ जाए, जैसी वो भगाए उसको, लेकिन वो तो मक्खी है और वो बंदर क्या है? वो बंदर है, ठीक है। तो उसको बार बार उसे भगाने में क्या हो रहा था? पुनः अपि वानरा अताड़यत। बार बार वह उसे भगाता रहा, पुनः पुनः तत्र एव उपविशत। तब भी क्या वह मक्खी बार बार आकर वहाँ पर उसके नाक में बैठ जाती थी, कभी नाक में बैठे, कभी छाती में बैठे, कहीं भी वो आकर बैठ जाती थी। तो बंदर को इस बार बार वो भगाता, लेकिन राजा क्या था? बिल्कुल आराम से सो रहा था। वानरा मधुकराय अकुर्दित। बंदर को उस पर क्या आया? गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उस मक्खी पर, ठीक है। निरपस्य समीपम एक खड्ग आसीत। तो राजा के पास क्या था? एक तलवार रखी हुई थी वहाँ पर। तो उसने देखा कि यहाँ पर एक तलवार है। स मूर्ख वानर खड्गम हस्ते अधारयत। तो उस मूर्ख बंदर ने क्या किया? उस तलवार को उठाया और वह मक्खी पर क्या करने लग गया? स खड्गेन मधुकरम प्रहारत। तो उस क्या करने लग गया? मक्खी पर प्रहार करने लग गया, उसे मारने के लिए दौड़ने लग गया। क्या लेकर? तलवार को लेकर। तो ये क्या मतलब था? अगर वो आदमी होता सेवक, लेकिन वो तो जानवर था, वो तो बंदर है, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अपाधावत दूरम अगच्छत। मधुकर अपाधावत दूरम अगच्छत। मक्खी तो ऐसा करके दूर भाग गई,
खड़गस्य प्रहारे निरपतितम् अगच्छत्। क्या हुआ कि मक्खी तो दूर चली गई, उसने सोचा कि मैं मक्खी को मार दूंगा और वो मेरे मालिक से हट जाएगी, उनको परेशान नहीं करेगी। लेकिन तब तक क्या हुआ, उसने तलवार के प्रहार से राजा की नाक में जो लगा मक्खी के बजाय, उसने राजा की नाक ही काट दी और राजा क्या हो गया, मर गया। जना मृतम निपम अपस्यन अशोचन च, सोचना च। तो क्या बाद में क्या हुआ, राजा के मरने पर वह सोच में पड़ गया, सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया। उसे अफसोस हो गया कि यह क्या हो गया। ठीक है, जना मृतम निपम अपस्यन अशोचन च, उसे सोच में पड़ गया कि मैंने क्या कर दिया। तो अब क्या है, इस कहानी से, इस मूर्ख सेवक का पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो देखो, पंडित अहित वरम हितकार कह मूर्ख न वरम। तो क्या है, मूर्ख सेवकों को अपने से दूर ही रखना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए। क्या है, इससे क्या शिक्षा मिली कि मूर्ख सेवक, वो बंदर क्या था, अगर मूर्ख नहीं होता, दिल से वो सेवा करता था, लेकिन क्या था, वो मूर्ख था, उसे नहीं पता चला कि अगर मैं तलवार से मक्खी को भगाऊंगा तो वो वार कहाँ होगा, ये उसको समझ में नहीं आया। मतलब इससे क्या शिक्षा मिली हमें कि मूर्ख मित्र के अपेक्षा विद्वंस शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। एक और अर्थ है इसका कि मूर्ख मित्र के अपेक्षा विद्वंस शत्रु ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि यह कहानी किस तरह से, यहाँ पर देखो चित्र में किस तरह से उसने अपने राजा को तलवार से, एक मक्खी को भगाने में उसने एक तलवार यूज की। मतलब उसकी यह बुद्धि, मतलब उसको ये देखना चाहिए था कि जैसे वो पंखे से अगर उसे भगा रहा था तो जैसे कैसे मक्खी को, उसने सोचा कि मैं तलवार से वार करूँगा तो मक्खी मर जाएगी। तो आपने इसके क्या शिक्षा मिलती है ये भी पढ़ लिया। और अब आप इसके कठिन शब्दों को लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ और ठीक उसमें सही और गलत भी हैं, संस्कृत में उत्तर हैं, ठीक है, और संस्कृत में अनुवाद, वाक्य प्रयोग, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, तथा अपनी नोटबुक में, बुक में भी आप काम करेंगे तथा नोटबुक में भी कार्य करेंगे और याद करेंगे तथा इस स्टोरी को याद करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो मूर्ख सेवक के बारे में भी आपको पता चल गया। इसी तरह से आपके पास जितने भी अभी अध्याय बचे हैं वो हमने SA2 तक के लिए कंप्लीट करना है। साईं राम।